Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. जय हिंद साथियों, जैसा कि हम सभी या अच्छी तरह से जानते हैं कि COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस के कारण और बहुत से लोगों की लापरवाही के चलते परिस्थितियां संभलने की बजाय और भी बिगड़ती जा रही हैं। हाल ही में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी COVID-19 के केसेस आने की वजह से इसे भी सील कर दिया गया है। शायद आपकी ऑनलाइन लर्निंग की आगामी आदेशों तक ऐसे ही चलते रहेगी। बहुत से स्टूडेंट्स इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जिसके चलते स्कूल के लिए ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस चलाई जा रही है। इसमें आप दिए गए लिंक के जरिए अस्थायी तौर पर एडमिशन ले सकते हैं और स्कूल की ऑनलाइन लर्निंग की सुविधा उठा सकते हैं। यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिंक के जरिए हम ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, तो ये जो ऑनलाइन लिंक है ये 10+1 और 10+2 के लिए अलग से रहेगा और 6 से लेके 10 तक की क्लासेस के लिए ये लिंक अलग से रहेगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, एक स्पेसिमेन यहाँ पे भर के दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। लिंक पे क्लिक करते ही आपका जो एडमिशन फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये नोट कि फील्ड्स इंडिकेटेड विद स्टार आर मैंडेटरी टू फिल। जिन भी फील्ड्स के ऊपर स्टार लगा हुआ है वो सारी की सारी फील्ड्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं, ज़रूरी है भरना। अगर इन फील्ड्स को हम नहीं भरेंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपने आधार नंबर भरना है, 12 डिजिट का आपका आधार नंबर यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरनी है यहाँ पे, यहाँ पे जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे ऑक्यूपेशन आएगा नीचे, जैसे फार्मर है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखना है, प्राइवेट जॉब वाले हैं तो प्राइवेट लिखना है। यहाँ पे मदर और फादर की इनकम आ जाएगी, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरना है, यहाँ पे पिन कोड, मोबाइल नंबर, प्रोवाइड योर पेरेंट्स व्हाट्सएप नंबर, आपने व्हाट्सएप नंबर ही प्रोवाइड करवाना है ताकि आप ऑनलाइन जो क्लासेस लग रही हैं उसका फ़ायदा उठा पाएं। आपको तभी ग्रुप में ऐड किया जा सकेगा अगर आपका व्हाट्सएप नंबर होगा, तो यहाँ पे आपने अपना व्हाट्सएप नंबर ही देना है। फिर से यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो सेम ही भर देना है, अलग है तो अलग भर देना है। बीपीओ ककड़, तहसील आपकी टौणी देवी, जो भी जैसा एड्रेस आप भर रहे हैं। पिन कोड, लास्ट इंस्टीट्यूशन अटेंडेड,
अगर आपने लास्ट इंस्टीट्यूशन GSS कक्कड़ ही आपका स्कूल था तो आपने ये भर देना है लोअर क्लासेस के लिए। अगर वो किसी अदर स्कूल का है तो उन्होंने अपना लास्ट इंस्टीट्यूशन का एड्रेस यहाँ पे भरना है। यहाँ पे डेट ऑफ लीविंग इंस्टीट्यूशन मैंने ऑप्शनल रखा हुआ है, अगर नहीं भरना है तो छोड़ देना है, बाद में आपसे ये डिटेल कलेक्ट कर ली जाएगी। क्लास इन विच एडमिशन इज आउट, जैसे आपने 10+2 में लेना तो 10+2 सेलेक्ट करना है, 10+1 में लेनी एडमिशन तो 10+1 सेलेक्ट करना है। ग्रुप ऑफर्ड, कौन से ग्रुप में, कौन सी स्ट्रीम में आपने एडमिशन लेनी है, जैसे नॉन मेडिकल में लेनी तो नॉन मेडिकल सेलेक्ट करना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपने सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स केयरफुली अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम, आपने जो यहाँ पे ग्रुप जो स्ट्रीम सेलेक्ट की हुई है उसी के अकॉर्डिंग नीचे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ है, जैसे ह्यूमैनिटीज़ के लिए सारे सब्जेक्ट इकट्ठे दिए हुए हैं, नॉन मेडिकल के लिए इकट्ठे दिए हुए हैं, मेडिकल के लिए इकट्ठे दिए हुए हैं और नॉन मेडिकल के लिए इकट्ठे दिए हुए हैं। और आपको पता ही है कि 5 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, जो कंपलसरी है इंग्लिश कंपलसरी है, मैथमेटिक्स जो है आपने नॉन मेडिकल में जो है वो कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपके वैसे ही रहेंगे, और एक आपने वोकेशनल सब्जेक्ट चूज कर लेना है 5वां। इसके बाद व्हाट गेम डू यू प्ले, यहाँ पे आपने गेम्स एक से ज्यादा भर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने गेम भर दी खो-खो, आप और भी गेम्स भर सकते हैं अगर खेलते हैं। कैटेगरी कौन सी है, सब कैटेगरी कौन सी है, यहाँ पे बैंक नेम, जैसे यूको बैंक है तो यूको बैंक, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा जो भी आपका अकाउंट नंबर है, यहाँ पे IFSC कोड आ जाएगा, नीचे आपका एकेडमिक इंफॉर्मेशन है, फिल इंफॉर्मेशन इन द बिलो फॉर्मेट एंड अपलोड इन JPG थ्रू बिलो गिवन एकेडमिक इंफॉर्मेशन फाइल। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी आपकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन है वो इस फॉर्मेट में भरनी है। फिलहाल जिनका रिजल्ट पेंडिंग है उनके लिए मैंने ये इस फील्ड की जो भी वैलिडेशन है वो हटा दी है, इसको मैंने मैंडेटरी नहीं रखा हुआ, इस पर मैंने स्टार नहीं लगाया हुआ है कि आप इसको छोड़ सकते हैं, बाद में आपसे ये डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट किए जाएंगे, इसलिए ये एक तरह से आपकी प्रोविजनली एडमिशन मानी जाएगी, ठीक है। तो आपने इस फॉर्मेट में अगर है तो इस फॉर्मेट में आपने अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी जो भी एकेडमिक इंफॉर्मेशन है उसको भर लेना है। यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम पास, नेम ऑफ बोर्ड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा, मार्क्स कितने आए, टोटल मार्क्स कितने में से आए, और यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी। फिल द इंफॉर्मेशन द बिलो गिवन फॉर्मेट एंड अपलोड इन JPG फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपने इंफॉर्मेशन भरनी है, फ़ोन से आपने स्कैन करके इसको JPG फॉर्मेट में, ठीक, यहाँ नीचे एक लिंक दिया हुआ है अपलोड एकेडमिक इंफॉर्मेशन, इस फॉर्मेट में भर के उसके बाद उसको स्कैन करके आपने फाइल को यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। मैंने कुछ एक फॉर्मेट जो है ऑलरेडी यहाँ पे रखे हुए हैं, वो सारे के सारे फॉर्मेट मैंने यहाँ पे एफ ड्राइव में रखे हुए फॉर्मेट, आपको पहले भी मैंने स्कैन कर लिए थे ताकि डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन, इस तरह से आपने भी स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे रख लेने हैं। ठीक है, आधार कार्ड चाहिए, एकेडमिक इंफॉर्मेशन चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, बोनाफाइड कास्ट सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट, फोटो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके पहले ही अपने फ़ोन में सेव कर लेने हैं। उसके बाद इन ऑप्शन पे जाके एक एक करके अपलोड एकेडमिक इंफॉर्मेशन फाइल, सेलेक्ट फाइल फ्रॉम डिवाइस, डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन,
जैसे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है तो इसमें एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है। हर एक जीपीजी फाइल का जो साइज़ है वो 1 MB तक ही होना चाहिए, 1 MB उसके पीछे ही होना चाहिए, ठीक है। 1024 KB का 1 MB बनता है, तो उसके पीछे कोई भी साइज़ आप रख सकते हो, विजिबल होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ठीक है। ओपन करना है फिर, और यहाँ से फिर अपलोड। जैसे ये अपलोड हो जाएगा उसके बाद अटैच द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स, पास सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग प्रीवियस एग्जामिनेशन, आपने जो भी लास्ट एग्जाम पास किया हुआ है उसका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अटैच कर देना है। इसको भी मैंने मैंडेटरी नहीं रखा हुआ है, बाद में आपसे ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए जाएंगे, तो आप अगर है तो यहाँ पे आप उसको अपलोड कर सकते हो एड फाइल। यहाँ पे आप अपना प्रीवियस एग्जाम का जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे पास सर्टिफिकेट है, इसको अपलोड कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ से अपलोड। माइग्रेशन स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे अपलोड करना है, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देना है, स्टार नहीं लगा हुआ इसके ऊपर, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद कॉपी ऑफ आधार कार्ड के बाद आपने अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करके ओपन अपलोड। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट ऐड फाइल। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आ गया आपका कैटेगरी का, ओपन अपलोड। के बाद डेट ऑफ बर्थ का, प्लस वन वालों के लिए मैट्रिक का ही चल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ का अगर कोई और प्रूफ है तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, इसको मैंने मैंडेटरी नहीं रखा हुआ है यहाँ पे, छोटी क्लासेस के लिए जैसे 6th में एडमिशन लेनी है तो उनके लिए कंपलसरी है। हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये आपका बना ही होगा, इसको मैंडेटरी रखा हुआ है, ये बोनाफाइड आ जाएगा आपका। यहाँ से अपलोड, उसके बाद फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के बाद आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, लास्ट में सिग्नेचर है। और उसके बाद लास्ट में सबमिट। सबमिट के बाद आपने वेट करनी है मैसेज की, कि आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। यहाँ पे मैसेज आ गया, एडमिशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो एडमिशन है वो हो जाएगी। अगर इससे रिलेटेड कोई और आपका इशू होगा, अगर फिर भी प्रॉब्लम आएगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मेरे साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आई होप कि आप एडमिशन जो हैं वो आसानी से ले लेंगे ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।